दोस्तों हम यहाँ फोटो खिंचाने लिए आ गए हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अगर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, सबसे अच्छे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यार आज की गुड मॉर्निंग बड़ी अजीब सी हो रही है। अजीब इसलिए हो रही है कि हम जहाँ होटल में रुके हुए हैं ना, यहाँ पे मैं बस अभी फ्रेश होकर निकली हूँ। मैंने ना, मुझे आदत है फेस वॉश, आँख खोल के फेस वॉश करने की। मैंने ऐसे ही किया और अभी लिटरली मेरी आईज इतनी ज़्यादा दर्द कर रही है ना, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। और अभी आई फ्लू का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं बहुत डर रही हूँ कि आई फ्लू ना हो भगवान। वैसे भी लोगों को मेरी आंखें बहुत पसंद हैं, जो मेरे जानने वाले लोग हैं उन लोगों को। लेकिन जब ऐसे दर्द हो रहा है ना, मैंने देखा शीशे में तो पूरी आंखें लाल हो रखी हैं। भाई कह रहा क्लोरीन के पानी से हो रही है, जो भी है। पर आज की गुड मॉर्निंग थोड़ी अजीब है, थोड़ी नहीं बहुत अजीब है। बाकी होप फॉर द बेस्ट और आज का पूरा दिन अच्छा हो। ऐसे शुरुआत तो नहीं कर रही इस ब्लॉग की, बट आई थॉट टू अपडेट यू कि हो सकता है मैं ब्लॉगिंग कम करूँ अगर आँखों में प्रॉब्लम हुई तो, क्योंकि लिटरली मैं अपनी आईज भी नहीं ओपन कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ही रेड हो रही है। मैं सोची पता नहीं, मैं शावर से नहा रही थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था आँखों में। मैंने यार पता नहीं क्या, मैं पहले फेस वॉश करती फिर नहाती हूँ ना, तो मैंने यार पता नहीं क्या हो गया। अब नोटिस किया शीशे में तो बहुत लाल हो रखी हैं आँखें, हैं कैसे ड्राई ड्राई हो रखी हैं। खैर अभी यहाँ से चेकआउट करना है और जाना है हमें घूमने। कहाँ जाना है ये तो मैं आपको जल्दी बताऊँगी, और मैं आपको छोटा सा अपना रूम टूर कराती हूँ, ठीक है। वैसे बहुत फैला हुआ है क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ फैल जाता है खुद ही। तो एक सेकेंड, हाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ फैल जाता है खुद ही, कितना ही मैं साफ़ करने की कोशिश करूँ। फिर रात हम लोग आए भी 1 बजे थे ना, तो 1 बजे चेक इन किया था। मान पहले वो फैल ही रहा है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखो। सो दिस इज़ द बेड, ठीक है। ये कर्टेन, ये एसी, ये वॉल, ठीक है। ये एलसीडी, मुझे आज भी नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, छोड़ो खैर। ये मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर इस रूम का, दिस इज़ माय मिरर। और इसी में मैं आज हल्का सा टचअप टूचअप करने वाली हूँ, इफ़ आई फील कंफर्टेबल विद माय आईज ओनली, अदरवाइज आई विल स्किप दैट। और देन ये हमारा अलमीरा, जिसको हमने इतना सा भी इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ी सी तैयार हो जाती हूँ, आईज़ में मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ भाई, जब तक ये सही ना हो जाए, क्योंकि मेरे को खुद को डर लग रहा है। इतनी लाल आंखें तो मैंने खुद भी नहीं देखी, मतलब तो बेवड़ों की होती है यार इतनी लाल आंखें। खैर मैं आपसे रेडी होके यहाँ से निकल के फिर मिलती हूँ, ओके। तो जी दो गुड न्यूज है। पहली गुड न्यूज ये है कि मेरी आंखें अब बिल्कुल ठीक है। दूसरी गुड न्यूज, नहीं यार बहुत लाल हो गई थी, जो भी है। तो भाई ने बताया क्लोरीन का पानी जब भी होटल वगैरह में रहता है ना, तो आईज बंद, तो आईज बंद करके ही फेस वॉश करें, आईज खोल के फेस वॉश ना करें। और दूसरी गुड न्यूज ये है, ये हटा डस्टबिन सा, ये हटाले बेइज्जती के ऊपर आ रहा है, हटा ना, हटा दे इसको। अच्छा दूसरी गुड न्यूज ये है कि मेरे बर्गर आ चुके हैं, तो मैं बर्गर खाऊंगी क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है। तो हम लोग यहाँ पे आए, कहाँ पे आए मेरे खुद नहीं पता, कहाँ है पैसिफिक मॉल देहरादून में आए हैं हम। भूख बहुत तेज लग रही है, जुबान फिसल रही है क्योंकि मोटी सामने बैठे बैठे हुए सारे मोमोज खत्म कर देगी, मेरे से पूछेगी भी नहीं। अब मैं आपसे खा के मस्त सेट होके फिर आपसे बात करती हूँ बाहर जाके, क्योंकि यहाँ शोर बहुत ज्यादा है, ओके। तो यहाँ ना हम सिर्फ और सिर्फ स्लीपर पहन के ही जा सकते हैं, शूज़ अलाउड नहीं है और सेफ भी नहीं है। तो जी अभी हम आ गए हैं रोबर्ट्स केव में, और आके पता चला है कि केव के अंदर तो एंट्री बंद है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो बाहर से देख सकते हैं। तो जो बाहर से देखने का टिकट है वो 35 रुपये का है, और अंदर जाने का कितने का है टिकट भैया?
अंदर जाने का टिकट कोई इज्जत ही नहीं है यार मेरी, कोई इज्जत नहीं है मेरी। भैया आपसे ही पूछ रही हूँ कितने का अंदर जाने का टिकट? पैंसठ अंदर ही का तो बता रहा हूँ, मतलब 35 ही है, चाहे अंदर जाओ चाहे बाहर से देखो। अच्छा बाहर में जाओ, चाहे बाहर में जाओ 35 रुपए का टिकट है। बस बहुत सस्ता है यार ये तो, मुझे लगा 200-250 का होगा। 200-250 का उसमें। तो अब हम अंदर तो जाएंगे नहीं, लेकिन बाहर बाहर से जहाँ भी हम जाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी, अपने साथ ले चलूंगी। तो चलो मेरे साथ, मैंने आपको बताई दी कि स्लीपर्स ही पहन के जाते हैं इधर, तो इसलिए ठीक है। अभी एक छपरी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, देखो छपरी नंबर वन। देखो कितने सारे लोग यहाँ ऑलरेडी आ रहे हैं, और ये कुछ इधर बन रहा है, मुझे नहीं पता है क्या है। तो चलो हम भी चलते हैं अंदर, वो दोनों ऑलरेडी जा रहे हैं। हाँ पता चल गया, ये जो कांवड़िया आते हैं उनका पंडाल है ये। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, जिस होटल में हम रुके थे ना, रात इतना डरावना सपना आया मेरे को, इतना डरावना सपना आया। मतलब पर्सनली मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जिस भी होटल में हम रुकते हैं ना, वहाँ की वाइब या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। आ रही हूँ। तो रात वाला जो होटल रूम था ना, दैट वॉज सो नेगेटिव, और ऐसे ऐसे ना, मतलब पहले तो मुझे नींद ही नहीं आई थी, फिर जब नींद आई तो बहुत डरावना सपना दिखा खुद को ही लेके। तो मैंने कहा भाई इस होटल से तो चेकआउट करो, आज हम किसी और होटल में रुकेंगे, इसमें नहीं रुकने वाले हैं। तो होता ये है कि जिस होटल की वाइब मुझे अच्छी नहीं लगती ना, मेरे को ऐसा लगता है यार इसमें क्यों ही हम रुके थे। लेकिन जो परसों होटल जिसमें हम रुके थे, पूरा मतलब ऊंचाई पे पहाड़ पे था वो होटल बहुत अच्छा था, एकदम पॉजिटिव, एकदम लेटते ही नींद आ गई थी। तो ऐसे ही होता है पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का खेल। तो जी यहाँ से होती है केव की स्टार्टिंग। चलो यहाँ से स्टार्टिंग होती है। हो भाई पानी बहता हुआ पानी देखना अपने आप में बहुत ज़्यादा सूदिंग होता है, कि आप अगेन मैं कहूँगी हर गम को भूल जाते हो बहता हुआ पानी देखकर। सही बोला कि नहीं भाई साहब? पानी का बहाव इतना तेज है ना, अगर मेरा फोन इसमें नहीं नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो बोलता वही हो जाता है। कई बार सरस्वती माता बैठ जाती है जुबान पे, और मेरे को ये नक्को करने का, इस अपने फोन को नहीं गिराने का। ओके आया शेरू, शेरू ये भैया कुछ नहीं देंगे। चलो ये जो पानी बह रहा है इसका नाम है गुच्चू रिवर। इतना गहरा है बस, बस यार इतना गहरा नहीं है, कोई बह गया तो पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ऐसे पिक्चर्स भी ले सकते हैं, बट बी केयरफुल हाँ, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। इधर भंडारा चल रहा है, बम बम बोले। ये आदमी मार रहा है ब्लॉगर को। एक ही निपा निपी अंकल जी कहाँ से आए हो? अरे यहाँ मत बैठ शेबू, तू शेबू यहाँ मत बैठ, तू वहाँ बैठ, उधर अंदर।
ये देखो गाइस कितना प्यारा यहाँ का पानी बह रहा है, बहुत सूदिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमें एक दो जगह और जाना है। ओके, तो हम वहाँ जाके मिलते, पानी का शोर बहुत ज्यादा, तो यहाँ ज्यादा कुछ मैं नहीं बोल पाऊंगी, यहाँ से निकल के फिर हम आपसे मिलते हैं। उधर मत जा, तेरी ऐसी की तैसी कर देनी है, मैंने सुना सुना के। ऊपर आ जा चुपचाप, पानी में जा रहा बेशरम बेवकूफ। तो जी जैसे आप सबको मैंने बताया कि केव तो बंद थी तो गुफा के अंदर हम जा नहीं पाए हैं, बस जाकर थोड़े बहुत फोटो खिंचा लिए। मुझ में और मेरे परिवार में इतनी भी हिम्मत नहीं कि बीच वाले पत्थर पे जाके फोटो खिंचाए, तो हमने बस साइड साइड पे जो पत्थर सा पड़ा हुआ था ना बड़ा, पूरी सेफ्टी के साथ वहाँ हमने फोटो खिंचाए हैं दो चार, फिर हम यहाँ से निकल पड़े। तो यही था हमारा, 35 रुपए में इतना ही मिलता है रे। चलो अब यहाँ से हम निकलते कहीं और चलते हैं। भगवान श्री टपकेश्वर महादेव की जय। अभी ले रहे हम प्रसाद, फिर हम चलते हैं मंदिर में आप सबको लेकर। सबसे पहले यहाँ लगते हैं लाइन जिसके थ्रू अंदर जाना है। हुआ कि कुछ माँ बाप शुरू से ही अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, और यकीन मानना जीवन जीने के लिए संस्कार ही काफ़ी हैं, क्योंकि कई बार हमारे मन में जब नेकी होती है, हमारा रहम दिल होता है, या हम किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और पुण्य का काम करते हैं, तो हमारे जो रास्ते हैं वो खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाते हैं। तो सोचो कि हम अगर बचपन से ही बच्चों को सिखाएं कि हाँ अगर वो अच्छा करेंगे, दूसरों के साथ उनकी मदद करेंगे, तो सोचो उनके मन में भी कितनी अच्छी चीज़ आ जाएगी कि हाँ अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। तो बाकी कुछ चीज़ें कर्म के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ आके तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं सच बता रही हूँ। यहाँ पे ये जो जल टपक रहा है ना, ये कोई बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, बस यहाँ से टपकता ही है इन पहाड़ों में से ना, पेड़ों के बीच में से। तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा शांति मिल रही थी, ऐसा लगेगा आपको कि जैसे बारिश पड़ रही है, बट बारिश नहीं थी। देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बिल्कुल भी बारिश नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर ऐसे जल हमेशा टपकता ही है टपकेश्वर धाम में ना। और आप लोग प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर एक बार जाना दर्शन करने मेरे कहने से, और बाकी मुझे ज़रूर फीडबैक देना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल बटन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी व्लॉग्स मैं पोस्ट करूँगी वो सभी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो भाई अब हम दर्शन करके यहाँ से निकल चुके हैं, अब हम जाएंगे रूम पर। रूम पे जाके हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे आधा एक घंटा, देन वी विल बी बैक फॉर आवर मूवी। मूवी देखने आएंगे हम कहाँ पे, पैसिफिक मॉल में। कौन सी मूवी देखेंगे हम? OMG 2, अक्षय कुमार जी की है। अक्षय कुमार जी तो हमारे बहुत ज्यादा प्रियतम है, तो हमें उनकी मूवी जरूर देखनी है, कोई मूवी मिस नहीं करनी है। ओके तो अभी आ गए हम अपने रूम पर, इसके पीछे लगा दिए ना। तो जी अभी मैंने कर लिया अपने कपड़े चेंज, और अभी हम चलते हैं मूवी देखने, तो चलो मेरे साथ। अक्षय कुमार भैया की नहीं, तूने मेरे से भैया क्यों बुलवाया, मेरे प्रियतम है वो। नहीं, मैं नहीं मानता।